हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक्स आइडिया, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टिंग नॉलेज। आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि हम बैंकिंग सीरीज से रिलेटेड एक सीरीज लेके आए हैं। तो बहुत सारे बैंक एग्जाम्स आने वाले हैं, जेके बैंक पोस्ट्स निकालेगा, 1300 से ज़्यादा बैंक एसोसिएट और 300 तक के पीओ पोस्ट्स निकलेंगे, जेके चेयरमैन चिब्बर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था। तो बहुत सारे बैंक एग्जाम्स इससे भी रिलेटेड है, जैसे कि एसबीआई पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आना ही आना चाहिए। टॉपिक्स कौन से? परसेंटेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, वेटेड एवरेज एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। तो ये टॉपिक्स हम अच्छे से क्लियर करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है बैंक एग्जाम से, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, उतना ही ज़्यादा हमें आता है। इसमें बैंक एग्जाम का एक ही राज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को सीधे डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जो भी लॉजिकल रीजनिंग, जो भी लॉजिक रिलेटेड होगा किसी भी टॉपिक से, वो हमें यहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो होप आपको इस सीरीज से बहुत फ़ायदा होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रीरिक्विजिट कंडीशंस कुछ है, उसके बगैर कुछ नहीं चलता। कोई बोलेगा मैं चक्के फाड़ दूंगा, तो लेकिन अगर ये सब होगा तो तब जाके। स्क्वायर रूट्स पता होने चाहिए अप टू 50, क्यूब रूट्स पता होने चाहिए अप टू 30, मल्टीप्लिकेशन टेबल याद होना चाहिए कहाँ तक, अप टू 30। एग्जामिनेशन में 22 मल्टीप्लाइड बाई 13 आएगा, तो आप करोगे 13 2 26, 13 2 26 प्लस 2 हो गया 28 286। 3 सेकंड तो ऐसे ही लग गए, 3 सेकंड तो ऐसे ही लगे, याद होगा तो 1 सेकंड में वहीं पे होगा, 1 सेकंड से भी माइक्रो सेकंड्स में निकल जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा। बैंक एग्जाम का एक ही राज है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे किसको नहीं आता है, तो मल्टीप्लिकेशन करना होता है या कोई, वहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि जो कि आम इंसान को नहीं आता है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन का मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट में जो मैथ्स नहीं पढ़ते, तो उन्होंने मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ा होता है, 10th तक ही, इसका मतलब 10th लेवल मैथमेटिक्स याद होना चाहिए, पता होना चाहिए बेसिक रीजनिंग, जितना याद होगा उतना फ़ायदा होगा। तो इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। टाइम का एक क्वेश्चन करना है 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स में क्वेश्चन करना है। अब आप खुद देखो आपको याद कितना रखना होगा, आपको याद कितना रखना होगा। ट्रिक्स विक्स याद नहीं रखनी है, वो तो लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आपका टाइम बचाती है। आप टाइम बचाना चाहते हो तो ठीक, आपकी सिलेक्शन, आप नहीं बचाना चाहते तो फ़ायदा नहीं कोई देने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है परसेंटेज, आज का टॉपिक है परसेंटेज। मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं बताऊंगा, जो आपको ये बोलेगा ग्रेजुएशन लेवल पे कि परसेंटेज क्या होता है, पर समझाया जाता है बहुत सारे, पर मतलब परसेंट मतलब हो गया 100 सेंट का मतलब 100। अरे भाई ये नहीं समझाना है, टाइम क्यों वेस्ट करना है, सीधे बोलो परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100, बात खत्म, और कुछ नहीं बोलना, खाम खा पे कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं हमें, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 400 मार्क्स आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स थे 500, कोई एग्जामिनेशन था, 12th का एग्जामिनेशन था, मुझे 400 आ गए 500 में से, अब मुझे देखने कितने परसेंटेज, मेरी कितनी परसेंटेज बनती है। देखो क्या करना है, 400 आ गए कितने में से, 500 में से जितने में से आए हैं वो डिनोमिनेटर में लिखना है मल्टीप्लाइड बाई 100। यह है परसेंटेज निकालने का तरीका। 2 0 2 0 कैंसल, 5 1 5 5 8 40 5 0 0, 80% मार्क्स आए मुझे। ये क्या मतलब है 80%? 80% का मतलब क्या है? तो गाइस, जो ये 80% आ गया, इसका मतलब क्या है, हमें निकला कि 400 500 का 80% है, 400 500 का 80% है। ये अगर आप लोगों ने समझा, ये लॉजिक, इसके पीछे लॉजिक है, तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको बताया जाता है कि ए व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, इसको डायरेक्टली फार्मूला याद कर लो, रख लो, ऐसा कुछ नहीं है, लॉजिक समझो, बात खत्म। देखो ये क्या मतलब है, आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि 1
और 100%। जब दिया होगा इसका मतलब चीज पूरी की पूरी है। जब आपको बोला गया कि आपके पास एक केक है, वन केक, इसका मतलब आपके पास पूरा एक केक है, या आप बोल सकते हो मेरे पास 100% केक है। सिंपल, आप बोल सकते हो मेरे पास एक केक है, जिसका मतलब ये हुआ मेरे पास 100% केक है, ये बात याद रखनी है। अब जब मैंने बोला कि 500 में से 400 आ गए, 500 में से 400 आ गए, मुझे 500 को मानना है ये एक एंटिटी है जो पूरी की पूरी है, 500 100% है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या मतलब 500 100%। 500 कोई एंटिटी है, 500 नंबर होते हैं, 500 कोई ज़मीन होती है, 500 स्क्वायर फीट होता है, कुछ भी मान लो, 500 कोई चीज़ है, इसको एक चीज़ मान लो, इसमें कितने चीज़ है, 500। अब जब मैं इसमें से 400 निकालता हूँ, 400 जब निकालता हूँ, ये हो गया 100, ये दूसरे हो गए 400, ये कितना बन जाता है इसका, ये कितना बन जाता है इसका, ये कितना था पूरा 100, और ये 400 कितना है इसका 80%, और ये 100 कितना बन जाता है इसका 20%, वही हो गया 80% का मतलब यही हो गया, 400 500 का कितना परसेंट है 80%, ये हो जाता है मतलब किसका, परसेंटेज निकालने का। तो आगे भी गाइज, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा बड़ा, ए कितना बड़ा है या ए कितना छोटा है बी से, या यहीं पे करते हैं, जब ए बड़ा होगा बी से तो बी तो छोटा होगा ना ए से। अब बताना है हमें कि ए कितना बड़ा है, हमें परसेंटेज में निकालना है ए कितना परसेंट बी से बड़ा है। मिसाल के तौर पर ए 10 है, बी 20 है, बी 20 है। अब मुझे बताना है बी ए से कितना बड़ा है, कितना परसेंट बड़ा है। यहाँ पे बुक्स में लिखा जाता है कि डिनोमिनेटर में क्या रखो वो रखो। देखो हमें किसको बोलना है बड़ा, कौन है बड़ा, तो बी है। बी कितना बड़ा है 10, डिफरेंस यानी कि बी माइनस ए जो बड़ा होगा, डिफरेंस कितना है 10 का। अब इस 10 को कंपेयर करना है, हमें किससे देखना है बड़ा है, हमें देखना है ए से कितना बड़ा है, हमें कंपेयर किसके साथ करना है 10 के साथ। अब हम ये 10 देखेंगे 10 का कितना परसेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ना 10, यहाँ पे वैल्यू है 10, डिफरेंस भी 10 है। इस 10 को मैंने किसके साथ कंपेयर किया, इस ए के साथ, यानी कि जो ये डिफरेंस आ गई बी और ए के बीच, इसको मैंने देखा कि ये इस 10 का कितना परसेंट है, ये हो जाएगा 100%, 100%। यानी कि बी ए से कितना बड़ा है 100%। क्यों, जब 10 को 10 ऐड करेंगे, इसका मतलब मैंने 10 में से 100% ऐड किया। 10 कितना है, जब मैंने अभी बोला कि पूरा समझो पूरा, 10 है एक, इसका ये है 100%। अब मैंने और 10 बढ़ाई, मैंने कितना बढ़ाया, मैंने 100% बढ़ाया, तब जाके 20 बन गया ना, वही तो बात है, 20 10 से 100% बड़ा है, यही मसला है। अब मुझे बताना है ए कितना छोटा होगा बी से, ए कितना छोटा होगा बी से। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ए कितना छोटा है बी से, 10 छोटा है, कंपेयर किसके साथ करना है, बी के साथ, क्योंकि मुझे देखना है बी से कितना कम है। तो जब बी के साथ मैं कंपेयर करूंगा ना इस डिफरेंस को, जो ए और बी के बीच 10 की डिफरेंस है, उसको मैं किसके साथ अब कंपेयर करूंगा, बी के साथ, तो मैं देखूंगा ये 10 20 का कितना परसेंट है, डिवाइड बाय 100, 25 आर 100, 5 10 आर 50। अब देखिए 50% है, कितना है ए छोटा है किससे, बी से। ए कितना छोटा है बी से, 10, ए कितना छोटा है बी से, 10, इसका मतलब ये 10 इसका क्या बन जाता है, 20 है टोटल, 20 है टोटल, टोटल मतलब 100%, इसका आधा कितना है 10, यानी कि 50%, यानी कि ए बी से कितना परसेंट छोटा है 50%, यानी कि बी का आधा जब निकालेंगे उतना ही छोटा है बी से, बी का आधा जितना है उतना छोटा है ए से। इसी तरह ए बी कितना बड़ा है ए से, 10 का देखना है कि 10 10 का कितना परसेंट, यानी कि 100%। होप आपको समझ आया होगा, जिसको कंपेयर, जिसके साथ कंपेयर करना होगा उसको डिनोमिनेटर में रखना होता है, ये बात आपको समझ आई होगी आई होप। तो गाइज आपको एक और चीज़ याद रखनी है, 1 इज इक्वल टू 100%, यानी कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होती है, 1/2 इक्वल टू 50%। अगर आपको कोई ये समझा रहा है या पढ़ा रहा है तो मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि 1/2 50% है, क्यों,
मल्टीप्लाइड बाई टेन, परसेंटेज मैंने ये भी सिखाया। तो अब आपको 100 को डिवाइड करना है 2 से, 250 ज़ा 100, तो आ गया 50%। अगर आपको ये कोई पढ़ा रहा है तो ये तो बेवकूफ़ी होगी मेरे से, ये सीधे याद करने हैं। इसी तरह 1/4 कितना परसेंट है, 4 से डिवाइड करना है 100 को, 425 ज़ा 100, हो गया 25%। इसी तरह 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया 20%। इसी तरह 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाता है 16.66%। इसी तरह 1/7 वो हो जाता है 14.28%। 1/9 11.11%। इसी तरह 1/11 9.09%। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। यहाँ पे 30 सेकंड्स में क्वेश्चन निकालना है, तो बहुत सारी चीज़ें याद भी होनी चाहिए ना। तो आइए करते हैं फिर एक एक करके क्वेश्चन। हमें बताना है फाइंड x% of y, यानी कि 30% of y निकालना है, 30% of 240। हमें क्या निकालना है, अच्छे से करेंगे 30% of, पहले आराम से समझेंगे, फिर हमारी स्पीड आराम से बढ़ जाएगी। 30% of 40 निकालना है। देखो एक तरीका है ये कन्वेंशनल मेथड, जो कि एग्ज़ाम्स में नहीं चलेगा क्योंकि टाइम की पाबंदी है। 240 ये है करने का तरीका जो हम 10th 12th में करते हैं। ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल, ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल। 324 अगर टेबल याद होगा वो एक ही झटके में बताएगा, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 342 यानी कि 240 कितना है, ये है टोटल, ये है टोटल, ये है 100%, ये है 100%। इसका 72%, इसका 30% कितना बन जाता है, इसका 30% बन जाता है 72। ये है मतलब इसका, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो कैसे करना है, हमें क्या निकालना है, 30% किसका, 240 का। आपको पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से करने हैं ये सारे। हमें पता है 0 0 है यहाँ पे। देखो अगर आपको पता होगा 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब है 1/10, 10% का मतलब है 1/10। अब आप 240 का 1/10 निकालिए। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में करना होगा मैं डायरेक्टली करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 1/10 का मतलब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इसके लास्ट पे भी 0 है, इसके लास्ट पे भी 0 है, ये मुझे दिमाग में सोचा हुआ है पहले ही। ये मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1/10 मैं 240 का निकालूंगा, मुझे पता है 1/10 का मतलब 10 10 के लास्ट पे 0, ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 10% कितना निकला, 10% निकला 240। अभी तक मैं दिमाग में ही कर रहा हूँ, एग्ज़ाम है यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं एग्ज़ाम में अभी तक दिमाग में ही कर रहा हूँ। 10% का मतलब 24, ये भी मैं नहीं लिखूंगा एग्जामिनेशन के रफ शीट पे, क्योंकि मुझे सीधे पता है 10% का मतलब 24। मुझे कितना निकालना है, 30%, इसका मतलब 24 से कुछ 3 करना है मल्टीप्लाई। जब 24 मल्टीप्लाई में 3 मुझे टेबल याद होगा, मैं लिखूंगा डायरेक्टली 72। होप आपको ये समझ आएगा। इसी तरह देखिए 50% 700 निकालिए, 10% 10% का मतलब 0 ही कैंसिल हो जाएगा, 10% कितना निकल गया, 70। हमें कितना निकला है, 50 इसका मतलब 5 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 350। 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या हो गया, 50%, और 70 को भी 5 ऐड करना है, ये हो जाएगा 5 7 35 0। ये है स्पीड करने की तरीका। ऐसे कौन करेगा, इतने में तो 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे ही खाएगा, ऐसे नहीं करना है ना, क्योंकि टाइम बचाना है। 2 0 2 0 कैंसिल, 7 0 0 0 7 5 0 35, वही आ गया। अब यहाँ पे देखिए 45% ऑफ 320 निकालना है। पहले 10% निकालते हैं, 10% कितना निकलेगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 32। अब 5% निकालिए, 5% मतलब 10 का आधा 32 का आधा कितना हो गया, 60। अब कितना निकालना है, हमें निकालना है 45। अब 40% निकालिए, 40% कितना होगा, ये मैं सारे दिमाग में कर रहा हूँ। 10% जब निकाला फिर मैं 40% निकालूंगा, 10% मतलब मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया 40%, तो यहाँ से भी 4 मल्टीप्लाई, 4 8 4 12 128। हमें निकाला है 45, करिए इन दोनों को ऐड, 5 + 40 हो गया 45, 128 + 10 हो गया 138, 38 + 2 हो गया 144। देखो मैंने कैसे ऐड किया, 128 को ब्रेक किया 120 + 8 में, 16 को ऐड किया 10 + 6 में,
120 प्लस 10 हो गया 130। इस 6 में से इसको 2 दिए, इस 6 में से इसको 2 दिए, ये कितना बन गया 10। 6 के पास 2 ले लिए, ये कितना रह गया 4। 30 प्लस 10 हो गया 40, 44। होप आपको समझ आ रहा है, ट्रिक्स वे सारे समझा रहा हूँ, यहीं पे समझा रहा हूँ। इसी तरह 22% ऑफ 4480, 22% निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 10% क्योंकि इसके लास्ट पे ज़ीरो है, ये वो आ जाए क्या 48, लेकिन हमें 22 निकालना है, तो 2% पहले ही निकालिए, 2% पहले ही निकालिए। 2% कितना बन जाएगा, 1% बन जाएगा, 1% का मतलब है 1/100, वो निकल जाएगा 0.48। 2% कितना निकल जाएगा, इसी का डबल, इसी का डबल, 2 8 16 2 4 8 9 0.96 0.96। अब हमें सीधे निकालना है 20%, 10% 48, 20% कितना निकलेगा, 20% इसका डबल, 2 8 16 2 4 8 9 96.096 96.96 96.96 आएगा आंसर, क्योंकि हमें निकालना है 22%, 20% प्लस 2%। होप आपको ये समझ आ रहा है। इसी तरह 16.66%, 16 इस मैंने क्यों बोला फ्रैक्शन याद करना है, 16.66% का मतलब क्या है, 1/6, 1/6। तो हमें क्या करना है, 2 × 1/216 का 1/6 निकालना है। अगर आपको मैंने क्यूब क्यों बोला, 6³ = 1/216, 6³ = 216, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 36। 6 3 = 18 11 3 6 = 36, क्योंकि 6 × 6² हो गया ना, 6³ हो गया 216, यहाँ पे 1 6 है, यहाँ पे 6² आ गया, वही हो गया 36। इसी तरह 37.5 की ये क्या है, 12.5, 3/8 का बन जाता है 37.5। तो आप कीजिए 37.5, 33.3 हो गया, 1/3। इसी तरह 83 66 28, इनके फ्रैक्शनल ढूंढ ले, वरना मैं यहीं पे करा था, ताकि इसलिए आपके लिए रखा, ताकि 44.44 का बताता हूँ, 1/9 कितना हो गया, 11.11। तो इसका मतलब 1/9 × 4 हो गया 4/9, वो हो जाएगा 44.44। होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि 1/9 = 11.11, जब यहाँ से भी 4 मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी के साइन, अगर मैं जो ऑपरेशन यहाँ से करूँगा वही यहाँ से करनी होती है। ये बन जाएगा 4/9, ये बन जाएगा 44.44। होप आपको समझ आ रहा है। तो इनके फ्रैक्शन ढूंढ लिए और निकालिए डायरेक्टली परसेंटेज, आप लोगों के लिए भी कुछ रखना है, खुद मैं सारे दिखाऊंगा तो फ़ायदा क्या है, आप लोगों की प्रैक्टिस का क्या होगा। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले पूछो, व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% 90। ये बोल रहा है कि किसी नंबर का 200% क्या है, 90। 200% ऑफ सम नंबर, फॉर एग्जांपल एक्स, वो क्या है 90, उसी का 80% निकालना है हमें, उसी का 80% निकालना है हमें। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसके पास एक ज़ीरो है, इसके पास एक ज़ीरो, अगर मैं 20 लिखूँगा 20%, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9, क्योंकि एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, मुझे कितना निकालना है 80, 20 को 4 मल्टीप्लाई करो, वो हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80% इक्वल टू, मैंने 4 किया मल्टीप्लाई, जो मैं इक्वालिटी के राइट साइड करूँगा वही लेफ्ट साइड भी करना पड़ता है, मैंने मल्टीप्लाई किया 4, मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई 4 करूँगा, इक्वल टू 36। देखो कन्वेंशनल मेथड ऐसे है, 200% मतलब 200/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 90। फिर मैं क्या करता, 100 को इधर लाता, 200 को डिवाइड करता, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाता, ये हो गया 100 ones are 100 twos are 2 ones are 245 are, ये आ गई x की वैल्यू क्या 45, x की वैल्यू आ गई 45। अब हमें इसी का 80% निकालना है, 80% मतलब का क्या हो गया 4/5, जिसको फ्रैक्शन में जानोगे वो डायरेक्टली लिखेगा 4/5। 80% मतलब, अगर किसी को अब ये याद रखना है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है,
वो हो गया 2408, 2510, 5105, 5945, 9436, वही आ गया 36। इसी तरह 37 1/2, 37 1/2 का मतलब 37.5, 37.5 का रेशो क्या है 1/3/8, 3/8, ये बोल रहा है 3/8 ऑफ ए नंबर इज 900। अगर किसी को ये पता नहीं होगा तो उसको पहले दिक्कत होगी, वो सोचता रहेगा क्या है क्या है, पॉइंट्स में है, बहुत लेंथी है। 3/8 ऑफ ए नंबर, 3/8 ऑफ एक्स इक्वल टू 900, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 62.5%। 62.5% का फ्रैक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। 62.5% का फ्रैक्शन क्या है, तो जब हमने 3/8 निकाला तो हम क्या करेंगे, 3/8 क्या है, 3/8 900 है, तो x को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 900 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा 300, ये बन जाएगा 2400। इसी का निकालना है 62.5%। 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा, वो खुद कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये फ्रैक्शन याद हो जाएंगे, जितना आपको ध्यान में रहेगा, जितने आपकी नज़र पड़ेगी फ्रैक्शंस पे उतना याद रहेगा। कोई चीज़ कब याद रहती है, जब उसके जब वो रिवाइज होती है, रिवाइज होती है। गाइज अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, टू कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन, वन गॉट 65% वोट्स एंड 1/300 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, एक बंदा ये है दूसरा बंदा ये है, बोलते हैं कि वोट्स वोटिंग हो गई और एक बंदे को वोटिंग में आ गए 65%, यानी कि अगर 100 वोट पड़ गए 65 इसको आ गए, और ये 300 वोटों से जीता, 300 वोटों से जीता मतलब जितने इसको आ गए, अगर इसको एक्स आ गए तो इस बंदे को कितने आ गए, इस बंदे को आ गए x प्लस 300, तब जाके जीतेगा ना, जब उससे ज़्यादा आएंगे तो इससे ज़्यादा कितने आ गए 300। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए 65% अगर इसको आ गए, इसको कितने आने चाहिए, इसको आने चाहिए 35%, सिंपल सी बात है, 65 प्लस 35 टोटल बन जाएगा 100। अगर इसको 100 में से 65 वोटिंग पड़ गई, इसको कितने आ गए 35। लेकिन हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला गया कि ये जो 65 है ये इससे कितना बड़ा है 35 से, 300 वोटें ज़्यादा, 300 वोटें ज़्यादा, यानी कि 65% जो वोट्स है उसकी मीनिंग क्या है, एक तो है 35% है, यानी कि एक तो 35% है और दूसरा है ये 300 ज़्यादा, दूसरा है 300 ज़्यादा, वही 65% बन जाता है। इसका मतलब ये 300 कितना है, 35 प्लस ये होना चाहिए फिर 30%, इसका मतलब 30% वोट्स का वैल्यू क्या है 300, तो 10% का क्या बन जाएगा, 10% का बन जाएगा, मैंने 3 से डिवाइड किया ये बन जाएगा 100, तो 100% वोट्स कितने आ जाएंगे 3000, सॉरी 1000। फिर से बताता हूँ, एक बंदे को आ गए 65%, तो दूसरे बंदे को कितने आने चाहिए 35, ताकि टोटल 100 आ जाए। अगर एक को 65 आ गए, दूसरे को 35 आए होंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन इस बंदे ने कितने वोटों से जीता, 300 वोटों से जीता, इसका मतलब ये जो 65% 35 से बड़ा है, कितना बड़ा है 300 वोटों से बड़ा है। दैट मीन्स 65% का मतलब है एक 35% प्लस 300, ये एक्चुअली परसेंटेज और न्यूमेरिकल वैल्यू को कंबाइन करने का क्वेश्चन है, 35% प्लस 300 है, सिंपल सी बात है, तभी जाके जीतेगा। तो इसका मतलब क्या है, 65 इज इक्वल टू 35% प्लस 300, तो इसका मतलब 300 की वैल्यू कितनी होगी 30%, तब जाके 30 प्लस 35 बन जाएगा 65%। अब सिंपल बन गए क्वेश्चन, 30% का वैल्यू कितना है 300 वोट है, हमें कितने वोट्स निकालने हैं टोटल वोट्स, दैट मीन 100%, पहले निकालेंगे 10%, 10% मतलब मैंने 30 को डिवाइड किया 3 से, यहाँ से भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 10 30, 3 0 0, अब 100% टोटल वोट्स निकालें, कितना यहाँ से 10 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी करूँगा 1000 आंसर। गाइस क्वेश्चन है यहाँ पे 2, हमने उल्टा किया 135 किया हमने, अब यहाँ पे आते हैं, ये बोल रहा है 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650/19, यानी कि 18% ऑफ 650 से कोई नंबर, यानी कि उसका 25% कितना छोटा है 90,
यानी कि किसी कोई नंबर है वो 18% ऑफ 650 से कितना छोटा है, 19। वो किसी नंबर से कितना छोटा है, 19, यानी कि किसी नंबर का 25% 18% ऑफ 650 से 19 छोटा है। ये देखिए यहाँ पे सिंपली 5 2 10, 5 13 जा, इतना नहीं करना है, जिसको याद होगा वो जल्दी जल्दी करेगा। 9 जा, 9 मल्टीप्लाइड विथ 13 कितना होगा, 9 3 जा 27, 9 जा 9, 9 2 जा 11, 117। तो 19 को यहाँ लाइए, ये बन जाएगा -19, 1/4 को उधर ले जाइए x, 1/17 -19 हो गया 98, मल्टीप्लाई करना 4 से, वहाँ रह जाएगा x, ये बन जाता है 392, ये बन जाता है 392। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से समझाता हूँ, कोई नंबर है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, मैं इसलिए लिखूँगा किसी नंबर का 1/4, वो नंबर क्या रखा मैंने, एक्स, किसी नंबर का 1/4, उसको कंपेयर किया हमने 18% ऑफ, 18% ऑफ किसके साथ, 650 के साथ। हम पहले ये निकालते हैं, हम पहले ये निकालते हैं, ये बन जाता है 9/50, ये बन जाएगा 9/50। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे काटेंगे, 5 2 जा 10, 5 13 जा 65, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 मल्टीप्लाइड विथ 13 कितना हो गया, 117। इसलिए मैंने बोला टेबल याद होना चाहिए। 18% ऑफ 650 कितना बन गया, 117। अब 117 को हम जब डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 25% ऑफ किसी का नंबर, यानी कि 1/4 ऑफ एक्स, इसको माइनस करते हैं किसी नंबर का 25%, वही हो गया 1/4 ऑफ एक्स। आंसर क्या आ जाता है, डिफरेंस क्या आ जाती है, 90, वही मतलब है। अब मैंने क्या किया, मैंने 117 को यहाँ पे रखा, 19 यहाँ आया, तो मैंने इसको यहाँ लाया, ये बन गया माइनस इज इक्वल टू 1/4x। ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऐसे तुम्हें समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, वरना यहीं पे सीधे पता चलेगा, जब इसको 19 डिफरेंस करेंगे वहाँ पे ये नंबर आएगा, तो वहाँ पे क्या आएगा, 117 17 में से, देखो मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करूँगा, 17 में से 17 गया, 117 में 17 गया, कितना रह गया, 100, यहाँ पे कितने रह गए, अब 2 2 और कर लो माइनस, वहां पे आ जाएगा 98, 98 रह गया यहाँ पे, 4 यहाँ पे डिवाइड है, जब ये यहाँ पे आएगा ये बन जाएगा मल्टीपल, यहाँ पे रह जाएगा एक्स के वैल्यू, 98 मल्टीप्लाइड बाई 4, 392। देखो अगर नन ऑफ दिस होता ना यहाँ पे तो फिर हमें निकालना था, लेकिन देखो डायरेक्टली 4 8 32, इसका मतलब वन इज डिजिट पे क्या, वन इज प्लेस पे क्या आएगा, 2 डिजिट, इसका मतलब 2 खाली एक ही में है, तो ये आंसर 4 8 32, 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 2 आ गया वन प्लेस पे, वो एक ही ऑप्शन है, 392 होगा आंसर। गाइज अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 11% किसी नंबर का उसी नंबर के 7% से कितना छोटा है, 18, नहीं सॉरी बड़ा, बड़ा है 18, यानी कि 11% ऑफ किसी नंबर का जब अपने 7% से माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 18, एक्सीड मतलब वही। ये तो कॉमन सेंस है, अगर कोई नंबर होगा इसका 11% बड़ा होगा किससे, इसके 7% से, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा परसेंटेज उतना ज़्यादा वैल्यू। 11 - 7 हो गया 4 डिवाइड बाई 100, एक्स इक्वल टू 18, इक्वल टू 18, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 50 जार, तो एक्स की वैल्यू आएगी 9 × 50, हो गया 450, 450। फिर से बताता हूँ, किसी नंबर का 11% उसी नंबर के 7% से कितना छोटा है, सॉरी ये 7% है यहाँ पे, उसी नंबर के 7% से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, 18 बड़ा है। अगर 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, 20 10 से कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, वो कैसे निकलता है, डिफरेंस से, वही मैंने यहाँ पे डिफरेंस किया, वही मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस किया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, व्हेन 40% ऑफ नंबर इज एडेड टू 42, किसी नंबर का 60% सॉरी किसी नंबर का 40%, 40% का वैल्यू पता होना चाहिए, 40% मतलब शॉर्टकट में 2/5, 2/5,
40% का किसी नंबर किसको ऐड करना है, 42 को, किसको ऐड करना है, 42 को. द रिजल्ट इज द नंबर, द रिजल्ट इज द नंबर, दैट मीन्स एक्स आएगा रिजल्ट. जब हम किसी नंबर का 40% 42 के साथ ऐड करते हैं, वहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाता है, वहाँ पे रिजल्ट आ जाता है नंबर, वहाँ पे रिजल्ट आ जाता है नंबर, वही मैंने लिखा है. नंबर क्या रखा मैंने, एक्स. तो मैंने क्या करना है, इस एक्स को इधर लाना है. 40% का मतलब 2/5, अगर यहाँ पे भी करोगे 0 0 कैंसल, 2 2 4 2 5 10, 2/5 एक्स. ये एक्स इधर लाऊंगा, ये बन जाएगा माइनस, और 42 को उधर ले जाऊंगा, ये बन जाएगा माइनस 42. 2x - 5x डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू माइनस 42. 2x - 5x कितना आ जाएगा, माइनस 3x. ये एक्चुअली कैसे करना है, 5 में से 2 निकालो 3, लेकिन यहाँ पे सिंबल उसकी हो जाती है जो बड़ा होता है, माइनस. ये तो टेंथ में पता, टेंथ तक जिसने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स उसको पता होना चाहिए. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगा 42 × 5, और एक्स रहेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा डिवाइड, 3 × 1 = 3, 14 = तो क्या आ जाएगा, 14 × 5 = 20, 70 आ जाएगा वैल्यू, 70 आ जाएगा वैल्यू. फिर से बताता हूँ, किसी नंबर का 40%, किसी नंबर का 40% 42 को ऐड करना है, आंसर आ जाता है वही नंबर, यानी कि x. अब मैंने क्या किया, मैंने x को इधर ले आया. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 42 को यहीं पे रखता हूँ, x माइनस 2/5 x, 2/5 मतलब 2 2 = 4, 2 5 = 10, इसलिए मैंने बोला जब यहाँ से करोगे तो फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, ज़बान याद होनी चाहिए. 2/5 आप डायरेक्टली लिखते. अब कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, 5x - 2x हो जाएगा 3x / 5. 5 यहाँ पे डिवाइड है, ये हो जाएगा मल्टीपल, 3 यहाँ पे मल्टीपल है, ये हो जाएगा डिवाइड, वही मैंने किया, 42 × 5 / 3 = x. x खाली रह गया, 3 1 = 3, 14 = 42, 5 4 = 20, या 5 14 = 70, ज़बानी याद होगा, 70 आंसर है. अगला क्वेश्चन करते हैं, इफ 75% ऑफ ए स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 42, द नंबर ऑफ बॉयज इज. देखो गाइज, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इतना आसान है कि कोई बात नहीं. 75% क्या है, 75% है बॉयज, 75% है बॉयज. गर्ल्स कितनी है, 420 रखी है गर्ल्स को. अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है. अब मुझे पहले इस न्यूमेरिकल वैल्यू का परसेंटेज निकालना है. टोटल कितने होंगे, 100%. 100% में से 75% कितने, 75% क्या है, बॉयज. वहाँ पे कितना रह गया, 25%. बस हो गया क्वेश्चन हमारा, 25% 420 है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज. जब 25% का वैल्यू है क्या, 420, हमें क्या निकालना है, 100. मल्टीप्लाई 4 से कर लो, मल्टीप्लाई 4 से कर लो, क्यों, 4 25 100, 4 0 0 4 2 8 4 16 1 6 8 0 1 6 8 0. सॉरी, हमें बॉयज निकालना था, ये मैंने टोटल निकाला. जब 25% का वैल्यू है क्या, 420, 75 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा 75, 3 2 5 75, यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3 0 0 3 0 6 3 4 12 1 2 6 0, 1 2 6 0, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. तब क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी इंसान की सैलरी, मैं रिसीव्ड 15% इंक्रीज इन ही सैलरी, किसी इंसान की सैलरी है, जब भी कोई इंक्रीज होगा ना परसेंटेज में, तो पहले जो पहली ओरिजिनल वैल्यू होगा उसको रखो 100%. सैलरी जो भी है वो नहीं दी हुई है, तो उसको हमने कितना रखा, 100%, पूरी की पूरी, पूरी जो भी चीज़ होगी उसको 100% रखना है, या 1. तो इंक्रीज कितने का हो गया, 15% का. जब 15% का इंक्रीज हो गया, उसकी सैलरी कितनी बन गई, 1932. इसका मतलब ये 100% था, अब 15% का इंक्रीज हो गया, ये कितना बन गया, इसका मतलब ये बन गया 115%. 15% की इंक्रीज मतलब 115 बन गया, सिंपल सी बात है. किसी इंसान की सैलरी है, मैंने उसको 100% मान लिया, उसकी सैलरी बढ़ गई 15%,
वो बन गई 1932। इसका मतलब ये 1932 कितना बढ़ गया, 15%, पहले 100% थी, अब 15% बढ़ गई, ये कितना बन गया 115%। सिंपल सी बात है, इसी 115% की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1932, हमें ओरिजिनल सैलरी निकालनी है, मतलब 100%। मैंने क्या किया 1932 डिवाइडेड बाई 115, ये हो गया 1% मल्टीप्लाइड बाई 100, फिर मैंने काट दिया 5 2 10, 5 3 15, 5 20 हो गया 20, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 19 23 से छोटा है, तो 23 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसको डिवाइड किया, 2 2 4 2 6 2 18 2 2 3, क्या आ गया 38640। अब 23 से आसान हो जाएगा डिवाइड करना, पहले 23 1 23, 8 3 हो गया 5 और 3 2 हो गया 1, उधर है 6, 156 बन गया, फिर मैंने 6 से किया, वो क्या बन जाता है 6 3 18 6 12 30, ये बन गया 138, 156 में से 138 निकाला, कितना हो गया, ये हो गया 118, ये हो गया 18, इधर है 1 इधर है 4, ये बन जाएगा 184, फिर डायरेक्टली हो जाएगा 8 से 23 8 184, फिर 0 से, ये था कैलकुलेशन, कैलकुलेटर थोड़ा बहुत था बाकी कुछ नहीं था। तो होप है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट गॉट 23% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, अनदर गॉट 35 मार्क्स एंड पास बाय 21 मार्क्स। इसको मान लीजिए पासिंग मार्क्स, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को आ गए कितने 23%, जब उसको 23% आ गए वो 15 मार्क्स से पीछे रह गया, यह है क्या, यह है पासिंग मार्क्स, किसी को 23% आ गए वो पासिंग मार्क्स के पास कितना पीछे रह गए 15 मार्क्स, यानी कि 23% आ गए वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक है, अगर 15 आते तो वो पास हो जाता, लेकिन उसको 15 से फेल हो गया, इसका मतलब यहाँ तक आ गए उसके मार्क्स 23 मार्क्स। दूसरा स्टूडेंट क्या है 35 मार्क्स एंड पास बाय 21 मार्क्स, दैट मीन्स किसी को 35% आ गए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 35%, वो निकल गया पासिंग मार्क से आगे कितना 21 मार्क्स। होप अब आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 23% अगर को हम 15 मार्क्स ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 23% यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक है कितना 15 मार्क्स, अगर हम 23% मार्क्स को 15 मार्क्स ऐड करेंगे, ये सिंपली क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है, एक टर्म दी हुई है परसेंटेज में, एक दी हुई है न्यूमेरिकल वैल्यू में, इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्चुअली अगर हम 23% को 15 मार्क्स ऐड करेंगे हमें क्या निकल जाएगा पासिंग मार्क्स, वो इक्वल टू हम रख सकते हैं किसके 35% को अगर हम माइनस करेंगे 21 मार्क्स, तब भी यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पासिंग मार्क्स है, लेकिन आगे कितना जाता है 21, 35% को 21 मार्क्स माइनस करेंगे तो हम फिर से आ जाएंगे कहाँ पे पासिंग मार्क्स पे। तो अब यहाँ पे रीअरेंज कीजिएगा, 23 को इधर ले आए, 21 को इधर ले आए, 21 माइनस है ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 15 + 21 = 35, ये है 23 प्लस है, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस, 15 + 21 हो गया 36, 36 मार्क्स किसके बराबर आएंगे 35 - 23, ये हो गया 12%, ये हो गया 12%, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 12% मार्क्स कितने न्यूमेरिकल वैल्यू है 36। अब हमें क्या बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स निकालो, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, इसका मतलब 36 / 12, ये हो गया 1%, हमें निकालना है 100%, 12 1 12 12 3 36 3 10 100 300 300 मार्क्स क्या आएंगे आंसर। इसके बाद बोलता है पासिंग परसेंटेज, ये जो यहाँ पे है इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब हम कैसे परसेंटेज निकालने हैं, हमें सिर्फ ये करना है कि 23% को या 15 मार्क्स को कन्वर्ट करना है किस में परसेंटेज में, या इस 21% को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, फिर या तो इससे माइनस करेंगे या तो 15 को इससे प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया 12% = 36 मार्क्स, 12% = 36 मार्क्स, 1% कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा 3 मार्क्स,
1% आ जाएगा 3 मार्क्स। हमें कितने का वैल्यू निकालना था? हमें 15 मार्क्स का वैल्यू निकालना था, हमें 15 मार्क्स का वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने उल्टा कर दिया। 12% कितने हैं? 36। हमें 15 मार्क्स का वैल्यू निकालना है। 15 मार्क्स का वैल्यू कितना आएगा? 12 / 36 / 15। ये हो गया 12 ones are 12, 12 threes are 36, 3 ones are 3, 3 fives are 15। इसका मतलब 15 मार्क जो है इनकी वैल्यू क्या है? 5%। ये थे यहाँ तक 23%, यहाँ पे थे ये 15 मार्क्स। 15 मार्क्स की वैल्यू क्या है? 5%। 23 + 5% क्या हो गया? 28%। अब उल्टा बोल रहा है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे पासिंग परसेंटेज नहीं निकालो, अब पासिंग मार्क्स निकालो। यानी कि 15 यहाँ पे दिया हुआ है, 23% दिया हुआ है। अब हमें 23% को कन्वर्ट करना है किसमें? न्यूमेरिकल वैल्यू में। वैल्यू क्या था हमारे पास? 12% = 36। 1% किसके बराबर आएगा? 36/12। हमें कितना निकालना है? 23 को मल्टीप्लाई कर लो। 12 ones are 12, 3 are 36, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 69। 23% वैल्यू कितने हो गए? 69 मार्क्स। 69 + 15 कितना हो गया? 84। होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर से देखिए, खुद भी ट्राई कीजिए। पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके पहले खुद करना है, चाहे गलत हो ठीक हो, उसके बाद मेरा देखे, फिर एक और बार ट्राई कीजिएगा। A student got 240 marks in a test and he failed by 6%। फिर से यही क्वेश्चन है, ये आप खुद कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं करूँगा। ये ऐसे ही मार्क्स है यहाँ पे, सिंपली ये वही। Another got 320 marks and paid। यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ था, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे फेल्ड बाई 15 मार्क्स, यहाँ पे फेल्ड बाई 6%। तो उल्टा यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद कीजिएगा। After study, अब क्वेश्चन नंबर इलेवन। After spending 40% machinery, 25% building, 15% raw material, 5% furniture, a small scale industry owner had a balance of this. Simply, अगर मेरे पास कोई इनकम है, वो कितना है? उसको बोलेंगे हम 100%। इनकम हो गई 100%। अब आपको समझ में आएगा क्या करना है। इसी इनकम में से 40% खर्च हो गया, वो कहाँ ले लिया? मशीनरी। 25% खर्च हो गया, वो किसने ले लिया? बिल्डिंग। 15% खर्च हो गया, वो किसने ले लिया? रॉ मटेरियल। 5% खर्च हो गया, वो किसने ले लिया? फर्नीचर। अब बताइए मुझे टोटल कितना बन गया ये? 40, 20, 60, 60, 5 हो गया, 65, 65, 5, 70, 70, 10, 80, 80, 5, 85। अंग्रेज दानों के लिए 40 + 25 हो गया 65, 65 + 5 हो गया 70, 75 + 10 हो गया 80, 80 + 10, 5 हो गया 85। 85% क्या हो गया? खर्चा। 85% खर्चा, तो बचा कितना? 100 में से 85 गया, 15% बच गया। 15% बच गया। अब ध्यान रखना, 15% बचा, 80% खर्चा हो गया। हमें क्या दिया हुआ है? ओनर हैड ए बैलेंस ऑफ 1300। इसका मतलब जो 15% बचा, इसका वैल्यू क्या है? 130500। सिंपल, बस अब कुछ नहीं करना है। अब क्या बोला है? टोटल मनी कितना था उसके पास? टोटल मनी कितना होगा? 100%। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? पहले 15 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह गया 1, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 threes are 15, 5 twenties are 3 ones are 3, 3 fours are 12, 3 threes are 9, 3 fives are 15, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0। 3 zero आ जाएंगे क्योंकि 1, 2, 3 zero, फिर 2 से इसके 2 fives are 10, 2 threes are 6, 1 7, 2 fours are 8, 8700। ये कैलकुलेशन है, आपको खुद आनी चाहिए। इतना पैसा था उसके पास। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है और आपको मज़ा भी आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर करने में क्या जा रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को हम अगले कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा एग्जाम्पल्स लाएंगे, हम 100 से भी ज़्यादा करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्टेस्ट कैलकुलेशन करोगे। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।